Hello everyone, welcome to weekly current affairs of 1st to 6th February. Let's start. महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी को हम मार्टर्स डे के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी को, और इनकी डेथ हुई थी 1948 में। नेपाल ने इंडियन कंपनी सतलज जल विद्युत निगम को अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए अप्रोच किया था, और इसके बनने के बाद 679 मेगावाट एनर्जी नेपाल इंडिया को देगा। 14 न्यू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो आइटम्स हैं उनको एमएसपी स्कीम के अंदर लाया जा रहा है, उसमें से एलिफेंट एप्पल ड्राई है, नेक्स्ट बैम्बू सूट है, मलकानगिरी सीड्स हैं, वाइल्ड ड्राई मशरूम। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं जो बिलोंग करते हैं म्यांमार को, अभी फिलहाल ये सेटल थे कॉक्स बाजार में, बट इनको शिफ्ट किया जा रहा है बसन चार आइलैंड पे, और इसी आइलैंड का एक और नाम है चारपी आइलैंड। डच केमिस्ट पॉल कर्जन, इनकी डेथ हुई है, और ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये बताया था कि ओजोन के अंदर होल हो रहा है सीएफसी की वजह से, तो उनको बाद में बैन किया गया था 1995 में, नोबल केमिस्ट्री प्राइज भी दिया गया था। लद्दाख के अंदर फर्स्ट जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल मनाया गया, उसके अंदर आइस हॉकी, स्नो स्कीइंग, हॉर्स राइडिंग, याक राइडिंग, आइस क्लाइंबिंग, स्नो स्कल्पचर, आर्चरी, 68 मैचेस हुए थे। बेसिकली इंडिया बहुत ही कम विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए अभी ये स्टार्ट किया गया था। आयशा एजाज 15 साल की उम्र में इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी थी। एस एन सुब्रमण्यम, इनको चेयरमैन बनाया गया नेशनल सेफ्टी काउंसिल का। चीफ्स ऑफ ए स्टाफ कॉन्क्लेव हुआ था बैंगलोर के अंदर, मतलब इनकी मीटिंग्स हुई थी। दिल्ली गवर्नमेंट ने स्विच दिल्ली कैंपेन स्टार्ट की है, इसके थ्रू ये प्रमोट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, उसमें से 25% व्हीकल होंगे 2024 तक वो इलेक्ट्रिक होंगे दिल्ली के अंदर, इनका ये टारगेट अभी फिलहाल। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स इंडिया में सेटअप किए जाने हैं, ये बताया गया था अभी जो नया बजट आया था उसके अंदर। उड़ीसा के अंदर मो जंगल नो योर फॉरेस्ट लैंड नाम का मुहिम चलाई जा रही है। टाटा ऐसी पहली प्राइवेट एंटिटी बन जाएगी जो कि मैन्युफैक्चर करने वाली है मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर। अभी रिसेंटली 45th इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया था, और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल एकेडमी फॉर ई स्पोर्ट बना जाएगा एक ताइवानी कंपनी आसूस इसके द्वारा। मिशन बागीरथ एक स्कीम है जो कि स्टार्ट की गई है तेलंगाना के द्वारा, इसके अंदर सेफ ड्रिंकिंग वाटर ये प्रोवाइड करेंगे। ये सिर्फ घर में प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट बोटल्ड वाटर भी अलग से देगी। द अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड दिया गया है बीकन फाउंडेशन को, और इसको बनाई थी किरण मजुमदार सो ने। परवीन सिन्हा को अभी इंटरिम चीफ ऑफ सीबीआई बना दिया गया। नेक्स्ट है कि आईटीबीपी को बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवार्ड मिला था गैजेट ऑफिसर्स के लिए। आपको याद होगा मैंने बताया था कि राजस्थान अकेडमी है उसको भी एक ऐसा अवार्ड मिला था रिसेंटली। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया गया था जैन 31st को, और इसको पोलियो रविवार भी कहा जाता है। इसके लिए हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने खुद राष्ट्रपति भवन के अंदर पोलियो की बूंद पिला के इसका इनॉग्रेशन किया था इस साल। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक इंडिया के अंदर हाईएस्ट केसेस हैं लेप्रसी के। ये बोला गया था कि इंडिया ने ऑफिशियली एलिमिनेट कर दिया लेप्रसी को, कि किसी कंडीशन होती है अगर आपके केसेस 10,000 में से एक है तो इसको खत्म हुआ मान लिया जाएगा, तो फिलहाल के लिए उन्होंने मान लिया था, बट केसेस स्टिल एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर। और जो ये डिजीज है ये होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रसाद मोंती ने चार्ज ले लिया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर स्टार्ट हुआ था, और इसका इनॉग्रेशन किया था स्मृति ईरानी ने जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं, और इसको करवाया जाता है इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवैक्स नाम की एक वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए एक करार किया था अमेरिकन कंपनी
9x के साथ में। यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव ट्रांस स्पेसिफिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करने वाला है। इसके अंदर 11 कंट्रीज हैं और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर से एक है। इसके अंदर जो कंट्रीज हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। नेक्स्ट न्यूज है कि वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जाता है लास्ट संडे जनवरी के, और इस साल मनाया गया था 31 जनवरी को। और इस साल के जो गुडविल एम्बेसडर हैं वो थे जापान के योही सासाकावा। हिल्टन वैलेंटाइन एक गिटारिस्ट थे ब्रिटिश बैंड के, इसका नाम था द एनिमल्स, और ये 1960s में बहुत ही फेमस बैंड था, तो इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। इंडिया ने 2 क्रेन्स भेजी हैं ईरान के चाबहार पोर्ट पे, और ये जो चाबहार पोर्ट है इसको इंडिया डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज थी कि म्यांमार में रिसेंटली मिलिट्री कूप हुआ और उनकी जो प्रमुख नेता थी आंग सान सू की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब कि नजरबंद किया गया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउस अरेस्ट। और इसी बीच उन्होंने 1 साल के लिए यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी है। ये हुआ है क्योंकि उनके आर्मी कमांडर कहते हैं कि जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है ये बहुत ही फ्रॉड करके जनरल इलेक्शन के अंदर जीते थे। नेक्स्ट है कि जॉर्डन वैन फॉरेस्ट ने रिसेंटली टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट जीत लिया था। डेनमार्क ने मेंस वर्ल्ड हैंडबॉल टाइटल जीत लिया है जो कि इजिप्ट में हुआ था। अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने हर घर पानी हर घर सफाई योजना स्टार्ट की है। इसके तहत नेक्स्ट ईयर तक हर घर में ये नल से पानी पहुंचा देंगे। यूनाइटेड किंगडम ने रिसेंटली स्पेशल वीजा देने का प्रावधान किया है हांगकांग के रेजिडेंट्स के लिए, क्योंकि पहले हांगकांग पार्ट था ब्रिटिश एम्पायर का। और अभी हमने देखा कि हांगकांग के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि चाइना अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो वहां के लोगों ने इस पर काफी प्रोटेस्ट किए हैं। दलाई लामा की रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुई है द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट। इसके अंदर बेसिकली काफी सारे कोट्स हैं, तो आप उनको चाहो तो पढ़ सकते हो खरीद के। जो दलाई लामा है वो 14th दलाई लामा है फिलहाल, और ये बेसिकली एक पोस्ट होती है जो कि स्पिरिचुअल लीडर होते हैं गेलुंग कम्युनिटी के। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स फर्स्ट ऑल सिविलियन मिशन टू स्पेस भेज रही है, और इसको भेजेंगे ये फैल्कन 9 के थ्रू। नेक्स्ट था कि ये स्पेसएक्स ही एक ड्रैगन या फिर ड्रैगन 1 के नाम से एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट बना रहा है जो कि रीयूजेबल होगा, जिसको कि बार बार यूज कर सकते हैं ये। नेक्स्ट था कि पथ चरित्र नाम की एक ट्रेडिशनल पेंटिंग होती है, ये बेसिकली कपड़े के ऊपर होती है, और ये जो आर्ट फॉर्म है ये ओडिशा और वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है। रिसेंटली मोदी जी ने एक लड़की के लिए ट्वीट किया था जो कि बहुत ही अच्छी पथ चित्र की आकृतियां बनाती है, तो वहां से ये बेसिकली न्यूज में आया। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, उन्होंने आदि महोत्सव एट दिल्ली हाट का इनॉग्रेशन किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं 3 फरवरी का। इंडिया का पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बनाया गया चेन्नई के अंदर। इंडिया की जो 42 साइट्स हैं वो रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है। ये कन्वेंशन बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स के लिए बनाया गया था। आत्मनिर्भरता इस साल का ऑक्सफोर्ड का हिंदी वर्ड बना था, 2020 के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि श्रीलंका ने पहले करार किया था कि जो कोलंबो एयरपोर्ट है उसको इंडिया और जापान मिलकर बनाएंगे, लेकिन श्रीलंका ने अभी अपने हाथ पीछे खींच लिए और वो इसको नहीं बनाना चाह रहे इंडिया के साथ में। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बनाया जाता है 2 फरवरी को, और इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर, और हम जानते हैं कि वाटर कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है फिलहाल इंडिया के लिए, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ही कोविड खत्म होगा तो नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाटर ही है। इनटू द डार्कनेस एक मूवी थी, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा के अंदर चल रहा था रिसेंटली। प्रियंका चोपड़ा एक इंडियन एक्ट्रेस है, इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की है अनफिनिश्ड। केरला की पहली ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया
जिसके अंदर न्यू बेबीज को ब्रेस्ट फीड मिल्क दिया जाएगा। जो भी मदर्स होती हैं, जो कि बीमार होती हैं, जिनका कि जो मिल्क अपने बच्चों को नहीं पिला सकती, जैसे कि किसी को एड्स हो गया तो वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, तो उसके लिए ये बैंक है जिस जो बाकी महिलाएं हैं वो अपना मिल्क दे सकती हैं और वहां से फिर उन बच्चों को ये दूध प्रोवाइड किया जाएगा। तो केरला में ऐसा पहला है, बट दिल्ली के अंदर पहले से चल रहा है। चंडीगढ़ के अंदर इंडिया का फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक बनाया जा रहा है। बेसिकली एम्प्यूटी क्लिनिक होता क्या है, जैसे किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया, तो जो भी डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। की नेक्स्ट न्यूज है कि अंडमान एंड निकोबार को मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब बनाया जाएगा। इसका बेसिकली एक आइलैंड को डेवलप करने जा रहे हैं एक फ्री ट्रेड जोन के रूप में, ताकि इंडिया कंपटीशन दे सके सिंगापुर और हांगकांग को। अभी रिसेंटली नेग्युन फू त्रोंग को प्रेसिडेंट बनाया गया है वियतनाम का, ये पहले भी थे और दोबारा इलेक्ट किए गए। लखनऊ मेट्रो इंडिया की पहली ऐसी मेट्रो होगी जो कि वॉलेट रेल से सैनिटाइज करेंगे ये ट्रेन कोचेज को। हरियाणा जो शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको फ्री बुक्स प्रोवाइड कराएंगे। जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं, इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका कि हेडक्वार्टर कोलंबो के अंदर है। हेनरी मुनिस को अपॉइंट किया गया फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट डॉग पार्क बनाया गया है चंडीगढ़ के अंदर। इंडियाज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ये बनाया जा रहा है उड़ीसा के अंदर, और डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जिनको कि साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इन्होंने ये जानकारी रिसेंटली प्रोवाइड कराई थी। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्विंग राइड अभी ओपन हुआ था दुबई के अंदर। बेसिकली एक झूला है जो कि घूमता है और ये बहुत ही बड़ा है। स्टार्ट करते हैं 4 फरवरी का जीके। इंडिया होस्ट करने जा रहा है इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव को, और इसकी थीम होगी एनहांस्ड पीस सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन। इंडिया और यूएस के मिलिट्री के बीच में युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है राजस्थान के अंदर। गोबर्धन स्कीम को मॉनिटर करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जा रहा है। जो गोबर्धन स्कीम है ये बेसिकली मैनेज करती है बायो वेस्ट को जो कि विलेज में होता है, जो गाय या फिर भैंस के गोबर की वजह से उसको कंट्रोल करते हैं ये। जो हो श्रीधर वेम्बू को अपॉइंट किया गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 83 तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देने के लिए एक MOU सील किया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के अंदर तमिलनाडु ने हरा दिया बड़ौदा को। US ने रिसेंटली नासा के एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भव्य लाल को बनाया है, और ये एक महिला है और ये इंडियन ओरिजिन की महिला है। अंडमान निकोबार आइलैंड एज अ फर्स्ट UT बन गया जो कि COVID-19 से फ्री हो चुका है। एंडी जेसी को अमेजोन का नया CEO बनाया गया है। नवीन जिंदल को महात्मा गांधी अवार्ड दिया गया है इनके एफर्ट्स के लिए जो कि COVID-19 के दौरान इन्होंने किए थे। उत्तराखंड के अंदर बोटैनिकल गार्डन अर्बोरेटम स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर शिवालिक जो रेंज है हिमालय की उसके अंदर ये कंजर्व करेंगे 210 स्पीसीज ऑफ ट्रीज जो कि सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। ये बेसिकली नेटिव प्लांट्स के लिए स्टार्ट की जा रही है। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। उसकी थीम होगी I am and I will। और जो मैनेजमेंट ऑफ कैंसर द आयुष एक्सपीरियंस है ये बेसिकली थीम है, बट ये थीम आयुष मिनिस्ट्री के लिए ही है। हरिहरन जो कि साउथ के बहुत ही बड़े डायरेक्टर एक्टर है, इनको JC Daniel अवार्ड मिला है
2019 के लिए। मर ह्यूजेस, इनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं 5 फरवरी का जीके। हम देख रहे थे कि एरो इंडिया 2021 अभी रिसेंटली बेंगलोर के अंदर खत्म हुआ, बट इसके अंदर काफी सारे एग्रीमेंट्स या फिर एमओयू साइन हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी एक है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, इसने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में एक एमओयू साइन किया, उसके थ्रू ये एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड बनाएंगे इंडियन नेवी के लिए। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है हाल, वो प्रोवाइड कराएगी 70 THH-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंडियन आर्मी को। इसी हाल और मिश्रा धातु निगम लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया, उसके थ्रू ये जो कंपोजिट रॉ मटेरियल्स हैं वो बनाएंगे जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर यूज होते हैं, और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल होता है, तो इसको ये डेवलप करेंगे। जो इसराइल के स्पीयर यूवी के डेवलपर्स हैं, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है पारस एरोस्पेस के साथ में, ताकि ये निनॉक्स 40 सिस्टम को इंडिया के अंदर लेके आएंगे। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, शॉर्ट फॉर्म इसकी है कपिला, और ये की गई है लोगों को अवेयर करने के लिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली क्या होते हैं और पेटेंट का मतलब क्या होता है। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी माफ कर दिए। सीरम इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ ने लॉन्ग टर्म सप्लाई अग्रीमेंट साइन किया कोविड-19 की वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए, और उसमें जो वैक्सीन शामिल है वो है एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड और नोवावैक्स वैक्सीन। पाकिस्तान ने अपनी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का भी रिसेंटली टेस्ट किया था, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी मनाया गया था 4 फेब को, उसकी थीम थी ए पाथवे टू फ्यूचर। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी रिसेंटली द कॉमन योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। स्टार डस्ट 1.0 फर्स्ट रॉकेट बन गया जो कि बायोफ्यूल से चलेगा, और इसको बनाया बायोफ्यूल ब्लू शिफ्ट कंपनी ने। नेक्स्ट है कि रिसेंटली डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट आई थी 2020 की, और इसको पब्लिश किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, जिसको कि EIU कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि फ्लॉड डेमोक्रेसीज, फुल डेमोक्रेसीज, हाइब्रिड रिजीम्स, अथॉरिटेटिव रिजीम्स एटसेट्रा। तो इसी इंडेक्स के अंदर नॉर्वे ने टॉप किया, और इंडिया अपने 2 स्थान गिर के नीचे अभी जो करंट रैंक है वो 53rd पे आ गया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये चाइल्ड लेबर को खत्म कर देंगे 50 आइडेंटिफाइड रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर, जैसे कि ताजमहल, इनमें से ये चाइल्ड लेबर को बिल्कुल हटा देंगे। इस साल हम बर्थ सेंटनरी ईयर मना रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी का, जो कि इंडियन वोकलिस्ट थे, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं ये। इनको महारत हासिल थी खयाल, जो एक सिंगिंग का फॉर्म है उसके अंदर। तमिलनाडु ने रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कलीबेली वेटलैंड है उसको बर्ड सेंचुरी बना दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और जोमेटो के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, उसके अंदर ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसको ये प्रोत्साहन करेंगे, और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका खाना भी ये अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराएंगे कंज्यूमर्स के लिए। हुबली कर्नाटका की एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इन्होंने माया एक रोबोट बनाया जो कि बैंक्स के अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है, और वो वहां की रीजनल लैंग्वेज के अंदर ऑपरेट करेगा। जो म्यूजिक कंपोजर हैं फेमस AR रहमान, उनको अलर्ट बीइंग अवार्ड 2020 के अंदर शामिल किया गया, और ये बेसिकली 14 लोगों को मिला था, ठीक है, और ये दिया जाता है एनजीओ अलर्ट के द्वारा। अभी हम पहुंच गए 6 फरवरी के जीके पे।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ने क्रॉस कर लिए हैं 1.75 करोड़ बेनिफिशरीज। इसके अंदर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको 5,000 रुपये मिलते हैं ताकि वो अपना खाना खर्चा देख सके। और इसको रन किया जा रहा था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। जो बारबोस के पीएम है मिया मोटले, उन्होंने इंडिया को थैंक किया क्योंकि इंडिया इनको कोविड-19 की वैक्सीन प्रोवाइड कराएगा। अभी जो रिसेंटली थर्ड सीरो सर्वे ऑफ आईसीएमआर की रिपोर्ट रिलीज हुई थी उसके मुताबिक हर पांचवें बंदे के अंदर कोविड-19 की एंटीबॉडीज प्रेजेंट मिली हैं। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 लेके आए थे और उसके ऊपर कुछ लोग कोर्ट चले गए थे, तो कोर्ट ने अभी फैसला दिया है कि जो कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल्स है उसका मिस यूज हो सकता है, तो इसको बचाने के लिए आप किसी का डेटा स्टोर ना करें, ना ही कलेक्ट करें और ना ही स्टोर करें इसको। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने रिसेंटली 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH MK3 दिए इंडियन नेवी को और 2 ALH दिए थे इंडियन कोस्ट गार्ड को, और बेसिकली इनको 16 ALH बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। गुवाहाटी के अंदर चा बिग्चा धन पुरस्कार मेला आयोजित होगा। इसके अंदर जो भी लोग टी गार्डन्स में काम करते हैं उनको 3,000 रुपए की राशि दी जाएगी। जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा कि यूएस मिलिट्री जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी सऊदी अलाइज को यमन के अंदर वो अब बंद कर देगी। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन का चीफ दोबारा इलेक्ट किया गया है। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर ये कंडक्ट किया जा रहा है और इसकी थीम होगी हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। श्रीलंका ने 400 मिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप किया है इंडिया के साथ में, और ये होता है सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के थ्रू। नेक्स्ट है कि ट्रंप ने एक ऑर्डर दिया था कि वो जर्मनी से विड्रॉ करने वाले हैं, बट जो बाइडेन ने इसको रोक दिया फिलहाल के लिए। हम पहुंच गए लास्ट सेक्शन के ऊपर जो कि है बैंकिंग सेक्शन। रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ था आरबीआई का, और उसके अंदर रेपो रेट जो थी 4% उसको सेम रखा गया, उसको चेंज नहीं किया गया, और रिवर्स रेपो रेट वो भी सेम है 3.35%। उसके बाद एमएसएफ रेट है वो है 4.25%, और आरबीआई ने बोला है कि जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 10.5% होगी, जैसे कि आईएमएफ ने बोला था कि हमारी 11.5% होगी। और इन्फ्लेशन जैन से लेके मार्च तक 5.2% अभी के लिए इन्होंने प्रेडिक्ट किया। और आरबीआई एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने वाला है अर्बन कोऑपरेटिव्स को लेके। अभी रिसेंटली एक आरटीआई के द्वारा मालूम पड़ा कि बैंक्स ने 62,000 करोड़ का लोन माफ कर रखा है, वो भी उनका जो कि टॉप 100 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जो कि लोग पैसा देना चाहते ही नहीं है, उन्होंने पैसा तो ले लिया पर तो देना नहीं चाहते। और जो हाईएस्ट था वो मोर देन 3,000 करोड़ था, मतलब उस बंदे ने पैसा ले लिया, कंपनी ने पैसा ले लिया बट वो देना नहीं चाह रहे। तो ये अभी रिसेंटली आरबीआई थ्रू मालूम पड़ा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस है, उन्होंने अपना चेयरमैन ऑफ बोर्ड अपॉइंट किया है अनीस शाह को। आरबीआई ने अलाउ कर दिया रिटेल इन्वेस्टर्स को कि डायरेक्टली वो एंटर कर सके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली एक सेफ मार्केट होता है, तो इसके अंदर वो भी अपना पैसा लगा सकते हैं। इंडिया के अंदर कैश रिजर्व रेशियो CRR यानी कि जो पैसा होता है ये पैसा बैंक रखते हैं आरबीआई के पास में ताकि बैंक ना भाग जाए, इसके लिए पैसा रखा जाता है। तो ये बेसिकली पहले से 4% था लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको 3% किया गया था। अब बैंक ने बोला है कि इसको आप 3.5% कर दो मार्च तक, लेकिन मई तक इसको बढ़ा के फिर से 4% करना है। आरबीआई वन नेशन वन ऑम्बड्समैन लेके आ रही है, इसके थ्रू जो अलग अलग ऑम्बड्समैन काम कर रहे हैं उनको ये मर्ज कर देंगे।
और एक सिंगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ये किया जा रहा है कि जो भी आप कंप्लेन्स कर सकते हैं वो एक ही अथॉरिटी के अंदर आ जाए। अभी जो रिसेंटली बजट आया था उसके अंदर अगर 2.5 लाख से ऊपर आपके प्रोविडेंट फंड है तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड न्यूज थी। पेपल जो कि एक यूएस की कंपनी है ये, और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करती है, इन्होंने जो अपना बिजनेस था डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो बंद कर दिया पेमेंट्स का। लेकिन अभी भी ये जो भी इंटर ट्रांजेक्शन होते हैं ग्लोबल उसको चलाती रहेगी। आरबीआई सेटअप करने वाला है 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज। ये बनाया जा रहा है क्योंकि जैसे आप कुछ पेमेंट करते हो इलेक्ट्रॉनिक से तो आपका पैसा कट जाता है, लेकिन आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते, तो आपको एक हेल्पलाइन प्रोवाइड की जाएगी। जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज, ये बहुत ही फेमस रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने बोला है कि जो जीडीपी इंडिया की है वो 17% से ग्रो करेगी 2021 के अंदर। आरबीआई रिस्क बेस्ड ऑडिट गाइडलाइंस लेके आने वाली है कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए और कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। इसी के अंदर रिसेंटली आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक का अभी ऑडिट करवाया था। जो बैंक का जो एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जो पैसा ले लिया उन्होंने बट वो वापस नहीं कर पा रहे, वो पहले हमारा 10.36 लाख करोड़ था 2018 के अंदर, और वो अभी कम होके 8.08 लाख करोड़ हो गया। राम मोहन राव अमरा को एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने एमडी और सीईओ बना दिया है। महाराष्ट्र का एक बैंक था शिवम सहकारी बैंक, इनको खत्म कर दिया बैंक को ही, क्योंकि इनके पास पैसा था ही नहीं चाहे अपने बैंक को चलाने के लिए, तो ये बंद होने वाला बैंक। जो पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक है उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया विड्रॉ ऑफ मनी जो कि होता है नॉन ईएमवी एटीएम के थ्रू। नॉन ईएमवी एटीएम क्या होते हैं, ये बेसिकली रीड करता है डेटा को मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के थ्रू। तो बेसिकली अभी इनके कार्ड में ये स्ट्रिप हमेशा होगी, ये बेसिकली सिक्योरिटी के लिए दी जाती है। अभी जो कुछ नेक्स्ट है वो सिर्फ यूपीएससी के मेंस के लिए होगा, अगर आप चाहो तो सुन सकते हो और आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने रिसेंटली लोकसभा के अंदर एक डेटा प्रोवाइड किया था, उसके अंदर बताया गया कि जो ड्रॉप आउट रेट है गर्ल्स की इंडिया के अंदर वो 4.74% है एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, और सेकेंडरी स्कूल के अंदर 17.3% है। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी की रिसेंटली काउंसिल की मीटिंग हुई थी, और ये बेसिकली वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने MCA 21 वर्जन 3.0 नाम का एक अपना एक पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB इन्होंने रिसेंटली साइबर क्राइम केसेस के ऊपर एक रिपोर्ट छापी है, और इसको हम पढ़ चुके हैं पहले। जो नेपच्यून डिक्लेरेशन है ये बेसिकली होता है वेलबींग ऑफ क्रू चेंज, ये बेसिकली जो अपना सी फेरर्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। ये बेसिकली वर्कर्स ही होते हैं जो कि शिप्स के अंदर काम करते हैं। और अभी रिसेंटली चाइना ने बोला कि वो ट्रैक करने वाले जो भी पॉलिटिंग एंटरप्राइजेज या कंपनीज हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को जो भी जर्नलिस्ट को उन्होंने बंद किया जेल के अंदर उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मीडिया को साइलेंस करना अच्छी बात नहीं है। राज्यसभा एमपीज को वार्न किया है कि वो मोबाइल फोन के अंदर अपना रिकॉर्डिंग ना करें, अगर वो ऐसा करते हैं तो इसको ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज माना जाएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया गया,
उस ग्रुप को आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू वॉचिंग आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट। स्टे ट्यून्ड फॉर द डेली हैपनिंग्स अक्रॉस द ग्लोब। ऑल्सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, डू सपोर्ट अस बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर चैनल। थैंक यू।